नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। लाइफलाइन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आजमगढ़ तथा इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन लखनऊ चैप्टर के संयुक्त तत्वावधान में लाइफ एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के सेमिनार कक्ष में नर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ के लिए सेमिनार का आयोजन रविवार को किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत आयोजन अध्यक्ष डॉक्टर गायत्री कुमारी तथा अन्य सहभागियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस आयोजन में स्वागतीय भाषण देते हुए डॉक्टर अनुप कुमार सिंह ने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में संबंधित स्टाफ का प्रशिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए विभिन्न प्रकार के सेमिनारों का आयोजन किया जाता है। मरीज की बीमारी से संबंधित इलाज बताना एक डॉक्टर का काम होता है, लेकिन वास्तव में मरीज की सेवा नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा की जाती है। ये बहुत आवश्यक है कि डॉक्टर के साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ भी पूर्ण रूपेण प्रशिक्षित हो। सेमिनार के विभिन्न साइंटिफिक शेड्यूल में डॉक्टर राघवेंद्र बेग सेमिनार के विभिन्न साइंटिफिक शेड्यूल में डॉक्टर राघवेंद्र वेगनवर द्वारा आईसीयू के मरीज की प्रारंभिक जांच और महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आवश्यक जानकारी दी गई। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के डॉक्टर तन्मय घटक द्वारा आईसीयू मरीज को वेंटिलेटर पर केयर को लेकर सावधानियां बताई गईं। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से आए डॉक्टर अंबुज यादव द्वारा आईसीयू मरीजों में इन्फेक्शन कंट्रोल को लेकर अनुभव साझा किया गया। लाइफलाइन हॉस्पिटल के क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर गायत्री कुमारी द्वारा लंबे समय तक आईसीयू में भर्ती मरीजों में डीप वेन थ्रोम्बोसिस से बचाव के तरीके बताए गए। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से आए हुए डॉक्टर शिवम श्रीवास्तव द्वारा मरीजों में बेड शोर से बचाव तथा होने वाले ध्यान रखने लायक आवश्यक बातें बताई गयी। विजय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के एनेस्थीसिया विभाग के वरिष्ठ डॉक्टर रोहित वामन द्वारा मल्टी मॉडल मॉनिटरिंग को लेकर आईसीयू में ध्यान रखने लायक आवश्यक जानकारी दी गई। लाइफलाइन हॉस्पिटल आजमगढ़ के डॉक्टर असफर जमाल द्वारा मरीजों में इमरजेंसी के इलाज देते वक्त आवश्यक सावधानियां बताई गई। लाइफलाइन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के वरिष्ठ डॉक्टर आशुतोष तिवारी द्वारा आईसीयू में सावधानी रखने लायक आवश्यक बातें बताई गई। इस आयोजन में लाइफलाइन हॉस्पिटल, लाइफलाइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, माँ सहजादी मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज, विद्याश्री ईएनटी सेंटर, सक्षम हॉस्पिटल, एमएल लाल मेमोरियल हॉस्पिटल सहित विभिन्न संस्थाओं के करीब 300 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर लाइफलाइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर डॉक्टर सुमन यादव, प्रिंसिपल पूजा सिंह, मानवी राय, पल्लवी राय, हर सेन, वीरपाल, हैदर, आमिर, रिजवान, अभिषेक सहित अन्य महत्वपूर्ण लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन लाइफलाइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के एडमिनिस्ट्रेटर अजय यादव द्वारा किया गया। इस जो आज लाइफलाइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कार्यक्रम किया गया, लाइफलाइन हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर एंड इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन का एक कंबाइंड इफोर्ट था। इस सीएमई का आज पर्पस था नर्सिंग, पैरामेडिकल्स एंड जूनियर डॉक्टर्स को इंटेंसिव केयर एंड इमरजेंसी एंड ट्रामा में विशेष ट्रेनिंग देना। बेसिक पर्पस इस जो आज हमने कार्यक्रम किया उसकी वजह आज से नहीं 2009 से है, जहाँ से हमने हॉस्पिटल की स्थापना की है, तब से हम लगातार नर्सिंग स्टाफ के आईसीयू में ट्रेनिंग देते आ रहे हैं। और इस ट्रेनिंग की वजह से ही आईसीयू का पेशेंट केयर का स्तर हमेशा ऊंचा रहता है। लेकिन आजमगढ़ में जिस स्तर से लगातार हॉस्पिटल खुल रहे हैं, आईसीयू स्टाफ की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, वैसे में मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों न हम आजमगढ़ में एक मास स्केल पर नर्सिंग स्टाफ, जूनियर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग कराएँ। इस ट्रेनिंग के लिए हम साल भर से इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल मेडिसिन के डॉक्टर्स के साथ मैं लगातार निरंतर संवाद में थी, और जो कि फाइनली नहीं, उन्होंने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया और आज नर्सिंग डे के अवसर पे 12 मई को एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें चार डॉक्टर्स लखनऊ से आए इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल मेडिसिन की तरफ से, चार डॉक्टर्स हमारे हॉस्पिटल और आजमगढ़ के दूसरे हॉस्पिटल से मिलके थे, और इसमें 200 से ज़्यादा नर्सिंग और पैरामेडिकल पार्टिसिपेंट्स थे, और 20 से ज़्यादा जूनियर डॉक्टर्स आजमगढ़ के तमाम हॉस्पिटल से भी आए थे। और इन बच्चों को
पढ़ाया गया पहले, बाद में हैंड्स ऑन कराया गया। तो इस तरह के कार्यक्रमों का उद्देश्य बेसिकली ये बेहतर आपको एक साथी वो मिल जाएगा, अटेंडेंट। हाँ डेफिनेटली, पेशेंट को के साथ सबसे ज़्यादा कोई समय देता है तो है नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ। वो कम से कम 8 घंटे की ड्यूटी होती है मिनिमम। तो पेशेंट का मेन केयर जो करता है, पेशेंट में क्या उतार चढ़ाव आ रहा है, पेशेंट की कंडीशन कहती है, सबसे बेहतर नर्सिंग स्टाफ। और जितनी अच्छी उनकी एजुकेशन और ट्रेनिंग होगी, उतना ही उच्च स्तर का हमारा पेशेंट केयर होगा और उतना ही अच्छा रिजल्ट होगा हमारा। ये सर आज यहाँ सेशन चल रहा था, क्या है पूरा यह सेशन और किस तरह से ये स्टूडेंट्स को जानकारी दी जा रही है? सर, लाइफलाइन हॉस्पिटल एंड ISCCM लखनऊ चैप्टर के तरफ से हम लोगों ने यहाँ एक नर्सिंग वर्कशॉप कराया, नर्सिंग वर्कशॉप एंड CME, 1 दिन का पूरा वर्कशॉप है। एंड इसमें कम से कम 200 नर्सिंग स्टाफ जो है उन्होंने भाग लिया है एंड इट्स अ वेरी सक्सेसफुल CME। इसमें हम लोग ACPGI, KGMU एंड अदर डिफरेंट एरिया से 4 हम लोग लखनऊ से आए थे एंड कई लोग यहाँ से भी ज्वाइन किए एज फैकल्टी एंड गेस्ट लेक्चर्स थे, लेक्चर्स एंड फॉलोड बाय हैंड्स ऑन। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिटिकल केयर में हम लोगों ने इनको सिखाया नर्सेस को। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।